इस दौरान प्राचार्य और छात्रों में जमकर नोकझोंक हुई। प्राचार्य शिवरतन डागा ने चिल्लाते हुए कहा कि करवा दो मेरा तबादला और कर लो मेरे साथ मारपीट। इस दौरान छात्र और शिक्षक आमने सामने हो गए। छात्रों ने बताया कि अगर फीस जमा करवाने के नाम पर वसूली बंद नहीं हुई तो छात्रों को उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। ये विरोध प्रदर्शन इसलिए है कि कॉलेज प्रशासन ने प्राइवेट स्टूडेंट से 360 रुपए ले रही है, लेकिन 360 की जगह कॉलेज प्रशासन 410 स्टूडेंट से पैसे ले रही है। तो इस अवैध वसूली के लिए आज हमने प्रिंसिपल साहब से ज्ञापन दिया और कहा है कि जब हमेशा रसीद हस्ताक्षर वाला सिस्टम होता है तो उस रसीद के हिसाब से पैसे ले तो 360 लगेंगे बच्चे के, लेकिन प्रशासन ये कहता है कि भाई 400 रुपये ऑनलाइन लेंगे तो 40 रुपये हर स्टूडेंट के ज़्यादा लग रहे हैं। इसलिए आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रिंसिपल साहब के चैम्बर में हमने गए थे, हम बात प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रिंसिपल साहब के चैम्बर में हमने गए थे, हम बात हुई है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक विश्वास दिलाया है कि हम मीटिंग करेंगे और उसके बाद कोई फैसला लेंगे। हम चाहते हैं कि भाई ऑनलाइन बंद करके ये रसीद ऑफलाइन ले जिससे बच्चों की 40 रुपये एक्स्ट्रा नहीं लगे। ये प्राइवेट स्टूडेंट की एग्जाम फीस हो रही है। लोकेश राव, पूर्व छात्र संघ महासचिव।